नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एचएस टेक चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक न्यू वीडियो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर। तो जो हरियाणा के निवासी हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो है और आप इस वीडियो को पूरा तक देखें। और उससे पहले हम अपने चैनल के बारे में बताएं, हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो आती रहती है, इसके लिए आप एचएस टेक चैनल को सब्सक्राइब करें या तो आप यूट्यूब पर जाकर न्यू सिंह टेक चैनल को सर्च कर लीजिए या एंटर एचएस टेक सर्च कर सकते हैं या शिक्षा भी आप टैग कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी सपोर्ट की हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आज हम आपके लेकर चलते हैं कर्मचारी काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बॉडी में, वो इस सिस्टम के थ्रू ज्वाइन किए जाते हैं। इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए पहले तो उनको पहल दी गई जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी न किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ठेकेदार के थ्रू वर्क कर रहे थे, उन लोगों को कन्वर्ट किया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम। पर अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन से लोग भी अब ज्वाइन हो सकते हैं जो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में कभी थे ही नहीं, वो कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम समय समय पर कुछ वैकेंसियाँ टाइम टू टाइम आउट करता है। उस वैकेंसी को उतने ही टाइम में फ्रेशर अप्लाई कर सकता है जिस व्यक्ति ने पहले किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ना किया। तो खुशखबरी, आज 29 तारीख को एक जॉब एडवर्टाइजमेंट एडवाइज हुई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये जॉब एडवर्टाइजमेंट इस वेबसाइट पर रनिंग हो रहा है और ये जॉब वैकेंट हुई है। तो आपको सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ज्वाइन नहीं है और आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है और उसकी तारीख है जी 29/1/2023। आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं 29 तारीख को, आज के दिन ये अपडेट आया है। 29/1/2023 से जॉब्स ओपन हुई है, 4/2/2023 तक की वैलिड, यानी कि 29 जनवरी से ये लेकर 4 फरवरी तक की ये वैकेंसियों के लिए पोर्टल पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक बार दिखा दें क्या क्या जॉब पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे अपडेट हुई है। वैकेंट जॉब्स आपके सामने है, टेक्निकल एसोसिएट्स फील्ड टेक्निकल जॉब्स है, डिप्लोमा इन रेलिवेंटेड लाइन सुपरविजन ऑफ द वर्क एंड मेंटेनेंस एज पर निगम वेजेस जो होंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के होते हैं वो है। इसको आप निगम के साइट पे आके, अगर आपने पहले से आईडी रजिस्टर कर रखी है तो केवल लॉगिन कीजिए, अगर आप कभी पहले आई नहीं इस वेबसाइट पे तो इसको अप्लाई कीजिए। सिंपल सा फॉर्म है, उसको भरिए और आप अपनी जॉब अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है मल्टीटास्किंग पब्लिसिटी पर्सनल स्टूडियो कैमरामैन की जॉब है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपके सामने प्लस टू पास होना चाहिए आर्ट स्टूडियो एंड लिविंग कवरेज का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का या कुछ जॉब एक्सपीरियंस बेस्ड भी है। तो इसमें फ्रेशर भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने कभी किसी गवर्नमेंट बॉडी में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं किया, पर ये टाइम सिर्फ 29/1/2023 है। बहुत सारी जॉब्स आ गए मल्टीटास्किंग पब्लिसिटी पर्सनल में, वेब कैमरा ऑपरेटर चाहिए, स्टूडियो कैमरामैन चाहिए, फील्ड टेक्नीशियन चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड केवल प्लस टू पास ही चाहिए, वेब कैमरा ऑपरेटर भी 10th पास मैट्रिक पास ही व्यक्ति चाहिए, पर इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस डाल रखा है किसी टीवी चैनल का प्राइवेट सेक्टर का भी, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है प्लस टू विदाउट स्टैंड शॉर्ट एंड स्पीड इन शॉर्ट एंड कीनने की शॉर्ट एंड चाहिए इसके लिए 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 80 वर्ड मिनट हिंदी। इसी तरह ब्लैक सबमिट जॉब है, 5th पास वर्क चाहिए, किसी वर्कशॉप में पोस्ट वर्क किया हो थोड़ा बहुत, प्राइवेट सेक्टर चाहिए, डिप्लोमा रेलिवेंटेड लाइन असिस्टेंट चीफ कमिश्नर इन द डे ऑफ द ऑफिशियल वर्क ग्रेजुएट नॉलेज इन हिंदी
चाहिए प्लस टू पास विद मैट्रिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 80 पर मिनट होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर चाहिए सिविल का हलवाई भी चाहिए। हलवाई के लिए 10वीं पास चाहिए एंड अप्लाई टू प्रिपेयर द स्वीट इन बेस्ट क्वालिटी। छोटी छोटी कैटेगरीज की तकरीबन 11 पोस्टें चाहिए। अगर आप किसी भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली, अगर आप इस हरियाणा कौशल विभाग रोजगार विभाग पर कभी रजिस्टर नहीं हुए तो अप्लाई करके रजिस्टर कर लीजिए। अप्लाई करने पे एक सिंपल सा आपसे आपकी फैमिली आईडी मांगी जाएगी, उसके बाद वहाँ पे फैमिली आईडी से आपके सारे मेंबर डिस्प्ले होंगे, वहाँ से एक ओटीपी भेजा जाएगा और जस्ट आप इस पे रजिस्टर हो सकते हो। तो बेहद ही आसान, और अगर ऑलरेडी आईडी आपने बना रखी है देन लॉगिन कीजिए, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालिए, देन आप इन जॉबों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कुछ पोस्टों 11 पोस्टों के लिए वैकेंसी ओपन की है एनी पर्सन के लिए, और ये 29/1/2023 से 4/2/2023 तक वैलिड है। एक जो हलवाई की पोस्ट है वो 2/1/2023 से वैलिड होकर 4/2/2023 तक वैलिड है, यानी कि पहले से निकली हुई है 2 तारीख से। बाकी सभी पोस्टें आज ही पब्लिक हुई है। इतनी सारी पोस्टें अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी जॉब से अप्लाई कीजिए। एकदम से भी आप पे लोगों को जॉब दी जा रही है, जल्दी इलेक्शन भी है तो हरियाणा गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक अच्छी इमेज और अच्छी छवि जो उनकी ऑलरेडी बनी हुई है उसको और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। अभी तक के लिए इतना ही। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जॉब्स वैकेंट हुई है, आप साइट पे आए और इसको अप्लाई करें। और लास्ट में फिर दोबारा से HSTech चैनल पे ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आती रहती है, आप इन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन वीडियोस और भी मिलते रहें। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड